वेलकम बैक टू मारूफास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ भोपला की सब्जी फ्राई रेसिपी। आज मैंने ली आधा किलो भोपला, इसको अच्छे से वॉश करके छील के इसको छील लिया है। अभी लंबा पीस काटने का है। सारे भोपला को छील ली हूँ, 1 इंच मोटा काटने का है। मैंने ले ली स्वाद अनुसार नमक। मैंने ले ली आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। मैंने ले ली 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर। मैंने ली आधा टीस्पून धनिया पाउडर। मैंने अच्छे से मिला ली हूँ। मैंने एक फ्राई पैन ली हूँ, उसमें 100 ग्राम सरसों का तेल डाली हूँ। तेल गरम हो चुका है, तेल में भोपला फ्राई कर लूंगी। नरम होने के लिए 1 से 2 मिनट में ढक दूंगी। मैंने ढक्कन खोल दी हूँ। मैंने सबको पलटी कर दूंगी। ढक्कन ढक दी हूँ पीछे हिस्सा पकने के लिए। आप देख सकते हो मेरा भोपला फ्राई हो चुका है। 4 से 5 मिनट लगा। आप देख सकते हो भोपला फ्राई प्लेट में 1-1 करके मैं निकाल लूंगी। आप देख सकते हो मेरा भोपला फ्राई रेडी हो चुका है। आप रोटी के साथ खा सकते हो, आप दाल चावल के साथ खा सकते हो। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट पढ़ने के लिए अच्छा लगता है आपका।